हमने इनकम टैक्स के अर्लियर लेक्चर में ग्रेच्युटी, लीव सैलरी, पेंशन ये सब टॉपिक डिस्कस किए हैं। आज के लेक्चर में HRA हाउस रेंट अलाउंस सेक्शन 1013A आगे के सब रिटायरमेंट बेनिफिट थे। रिटायरमेंट बेनिफिट में गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो आपको देखना था। ये HRA है, रिलायंस अपनी टाउनशिप में आपको रहने का देती है तो वो परक्विजिट है। रिलायंस आपको पेमेंट कर देती है, आप कहीं भी रह सकते हो, तो वो HRA है। HRA में गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो कई बार क्वेश्चन में दे देते हैं, मिस्टर एक्स सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिसीव्ड 5000 पर मंथ HRA। हमारे दिमाग में सेट हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम, लेकिन यहाँ पे वो नहीं देखना है। तो क्या देखना है यहाँ पे? आपको सिटी देखना है, कहाँ पे रहते हो, आपका प्लेस ऑफ रेसिडेंस कौन सा है, मेट्रो सिटी है, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई है, लेट मी सी, आप कहाँ पे रहते हो, आपका मकान कहाँ पे है, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई यानी मद्रास, उस चार में से कोई सिटी में रहते हो आप, आपका मकान है बॉम्बे में है, दिल्ली में है, कलकत्ता में है, मद्रास में है, तो आपको लिस्ट ऑफ द बिलो एग्जाम मिलेगा। लिस्ट ऑफ द बिलो में 50% ऑफ द सैलरी एक्चुअल रिसीव्ड एंड रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी एक्चुअल रिसीव्ड एंड रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी की डेफिनेशन, सैलरी की डेफिनेशन बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर। लेकिन सैलरी कौन सा देखना है, एडवांस सैलरी अभी मिला है, प्रीवियस ईयर का अभी मिला है, कौन सा सैलरी देखना है, सैलरी ड्यू बेस देखना है। जिस पीरियड में आपको मकान का HRA मिला है ना, उसी पीरियड का सैलरी देखना है। सैलरी मिला नहीं मिला नहीं देखना है, सैलरी ड्यू बेसिस देखना है। सैलरी इज कंसिडर्ड ऑन ड्यू बेसिस फॉर रिस्पेक्टिव पीरियड ऑफ द HRA गिवन। जिस पीरियड में HRA मिल रहा है उसी पीरियड का सैलरी देखना है, ड्यू बेसिस देखना है, एक्चुअल रिसीव्ड पेड नहीं देखना है। अदर सिटी है तो आप राजकोट, अहमदाबाद और कहीं पे रहते हो तो 40% ऑफ सैलरी एक्चुअल रिसीव्ड एंड रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी विल बी एग्जम्प्ट। मेट्रो सिटी बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास 50% एंड अदर सिटी 40%, बाकी की दो कंडीशन एज इट इज है। हमने ऑलरेडी देखा था गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कोई डिफरेंस यहाँ पे HRA में नहीं है। आप यहाँ पे अभी बॉम्बे में जॉब कर रहे थे, बॉम्बे में आपका मकान था, आपका ट्रांसफर हो गया, अहमदाबाद हो गया, आप जॉब करने अहमदाबाद चले गए, लेकिन आपके बच्चे बॉम्बे में पढ़ रहे थे, आपका मकान है वो बॉम्बे में था, रेंट पेड है वो बॉम्बे में था, तो आपको 40% नहीं लेकिन 50% देखना है। प्लेस ऑफ हाउस इज कंसिडर्ड नॉट द प्लेस ऑफ सर्विस। आप तीनों कंडीशन के सामने देखोगे 50% ऑफ सैलरी, आपका सैलरी का कोई कंपोनेंट ड्यूरिंग द ईयर अप्रैल और मार्च के बीच में चेंज होगा तो बेसिक चेंज हुआ, डी इन टर्म्स चेंज हुआ, कमीशन ऑन टर्नओवर चेंज हुआ, उसके परसेंटेज चेंज हुआ, सैलरी का कोई भी कंपोनेंट आपका चेंज होता है, समझ लो 30 जून को चेंज हुआ, तो अप्रैल से लेके जून तक का एग्जम्पशन अलग देखो एंड जुलाई से लेकर मार्च तक का एग्जम्पशन अलग देखो। सैलरी में चेंज होता है, आपको HRA जो अलाउंसेस मिल रहा है उसमें चेंज हो रहा है, सितंबर तक 3000 देन 4000, रेंट पेड है, मकान मालिक रेंट बढ़ा रहा है, और प्लेस ऑफ हाउस बॉम्बे से अहमदाबाद और अहमदाबाद से बॉम्बे, इस फोर सिटी में से अदर सिटी में जाते हो और अदर में से फोर सिटी में जाते हो, तो उसका आपको उतने रिस्पेक्टिव पीरियड का एग्जाम्पशन अलग फाइंड करना पड़ेगा। 1013A HRA बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास 50% ऑफ सैलरी एक्चुअल रिसीव्ड रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, अदर सिटी में 40% लेना है, सैलरी बेसिक प्लस डी एन टर्म प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर आपको लेना है और ड्यू बेसिस आपको सैलरी कंसीडर करना है। फ्रेंड्स ये हमने बात की HRA की, अब हम बात करेंगे एंटरटेनमेंट अलाउंस। बहुत ही छोटा टॉपिक है एंटरटेनमेंट अलाउंस हम करेंगे आज।
लेट मी कंटिन्यू. डिडक्शन प्रोफेशनल टैक्स एंड एंटरटेनमेंट अलाउंस, वो 16 के डिडक्शन है. पहले पूरा इनकम में ऐड कर देना है. एंटरटेनमेंट अलाउंस जितना मिलता है ना, वो पहले पूरा ऐड कर देना है. एचआरए में क्या होता है, 50,000 मिलता है, 20,000 एग्जम्प्ट है, तो इनकम में 30 ही लेना है. बाकी के सभी अलाउंसेस में जितना टैक्सेबल पोर्शन है उतना ऐड करना है. एंटरटेनमेंट अलाउंस एक डिडक्शन में आता है, इसीलिए पहले पूरा एंटरटेनमेंट अलाउंस ऐड करना है इनकम में, सैलरी इनकम में. बाद में लिमिट में कंसीडर होता है तो उतना एग्जम्प्ट पोर्शन लेस करना है. एंटरटेनमेंट अलाउंस सबसे पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एग्जम्प्शन मिलेगा. लिमिट है वो गवर्नमेंट के लिए, नॉन गवर्नमेंट तो फुल्ली टैक्सेबल. नॉन गवर्नमेंट एंटरटेनमेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, लेकिन गवर्नमेंट के लिए भी लिमिट है, 20% ऑफ बेसिक सैलरी ओनली. नॉट डीए, नॉट अलाउंसेस, नथिंग, ओनली बेसिक के 20%. ऑल 5,000 ऑल एक्चुअल रिसीव्ड लिस्ट ऑफ द बिलो इज एग्जाम. सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को आपको 20% ऑफ बेसिक, 5,000 एक्चुअल रिसीव्ड, तीन में से जो कम है उतना आपको एग्जाम मिलेगा. एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली टैक्सेबल. पहले ये आपको पूरा ऐड करना है, बाद में एग्जम्प्शन में फॉल होता है तो 16(2) में सेपरेटली डिडक्ट करना है. बने रहे मेरे साथ, डेली 1 आवर वीडियो सुनिए, हर एक टॉपिक आपका इजी हो जाएगा. चैनल को सब्सक्राइब करिए, नए वीडियो मिलते रहेंगे. और ये वीडियो दूसरे के फायदे के लिए हर एक स्टूडेंट को शेयर करिए. थैंक यू वेरी मच.